शामली पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब शामली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गैंग के 3 तस्करों को पंजाब से तस्करी कर लाई जा रही पंजाब मार्का शराब की 1000 पेटी करीब 10,000 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी बाजार में कीमत 10 लाख रुपया बताई जा रही है। पुलिस ने इनके पास से तस्करी में प्रयोग किए जाने वाले 10 टायरा ट्रक को भी पकड़ा है। आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के टिटोली चेक पोस्ट का है, जहां पर पुलिस ने हरियाणा की तरफ से आ रहे राजस्थान नंबर के एक 10 टायरा ट्रक को रोका और उसकी तलाशी के दौरान ट्रक में से 1000 पेटी शराब की बरामद की गई, जिसकी बाजार में कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक में तस्करी कर ला रहे अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गैंग के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने ट्रक को भी अपने कब्जे में ले लिया है। पकड़े गए 3 शराब तस्कर बहुत ही शातिर किस्म के हैं और वह यह शराब पंजाब के उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने के लिए ला रहे थे। शामली जनपद हरियाणा राज्य की सीमा से सटा हुआ है, लिहाजा शराब तस्कर यहां सक्रिय रहते हैं। गत कुछ महीने पहले जहरीली शराब के सेवन से एक गाँव के 5 लोगों की मौत हो गई थी। ये हमारे शामली पुलिस में थाना आदर्श मंडी ने बड़ा गुड वर्क किया है। इसमें पंजाब में बनी हुई करीब 10,000 लीटर अंग्रेजी शराब हमने बरामद की है। इसमें ये शराब पंजाब से लाई जा रही थी और हरियाणा होकर के ये हरियाणा के बॉर्डरिंग में जो शामली के कांधला, कैराना और झिंझाना इलाके हैं उसमें सप्लाई होने की भी बात सामने आ रही है। इसमें आज ही रात में ये सूचना मिली थी हमारे आदर्श मंडी टीम को कि बड़ी मात्रा में शराब 10 टायरा ट्रक में आ रही है, तो इसमें घेराबंदी की गई और इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक ड्राइवर के अलावा 2 और अभियुक्त शामिल हैं। इसमें 1000 पेटी शराब थी, जिसमें तकरीबन 10,000 लीटर ये शराब बनती है और उसके बाद में इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें कीमत जो आबकारी विभाग से आंकी गई है तकरीबन 10 लाख रुपए से ज़्यादा मूल्य की ये शराब पकड़ी गई है और चूंकि ये बहुत बड़ी पकड़ है और कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले चुनाव में इसको लेकर के इसको सप्लाई किया जा रहा हो प्रभावित करने के लिए, तो उस लिहाज से ये बड़ी पकड़ है और इसमें हमने अपनी पुलिस टीम को 10,000 रुपये का इनाम भी प्रदान किया है।